नमस्ते मॉड्यूल 17 एंड इट्स अगेन नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर मॉड्यूल रिलेटेड टू सेक्शन एट कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी लेंदी वन सो वील है नेक्स्ट मॉड्यूल सो लेट एस सी की गवर्नमेंट कंपनी जो है उससे रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन इश्यू किए गए जो आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं हां जी ये देखिए गवर्नमेंट कंपनी हाँ जी गवर्नमेंट कंपनी से है सेक्शन क्लॉज में डिफाइन की जाती है अच्छा प्रिंसिपल एक्ट ओके सेक्शन फोर वन ए सेक्शन फोर वन ए इट्स सेक्शन फोर इज ऑफ मेमोरेंडम एंड ए डेट्स नेम ऑफ कंपनी आई थिंक सो अगर आपने मेमोरेंडम के मॉड्यूल देखा होगा तो आपको ऐसे सेक्शन सेक्शन और क्लॉज से समझ आ जाएगा What is that? If it is a public limited, then the limited word must be added in the last. If it is private limited, then private limited word must have been added in the last. Oh uh, yeah. The memorandum of a company shall state the name of the company with the last limited in case of public limited company or the last word private limited in case of private that is what 41A says. Okay. गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, है? याद रखना सब कंपनियों के लिए एप्ली गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपके लिए एप्लीकेबल है इसलिए मैंने हेडिंग में ही बता दिया नोटिफिकेशन इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन एट कंपनी इट इज इज नाउ दिस गवर्नमेंट कंपनी नोटिफिकेशन डेटेड अगेन सेम फिफ्थ जून वर्ड्स इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शैल बी ओमिटेड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी में यह सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है दैट इज ओमिटेड ओमिटेड दिस वर्ड्स आर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अच्छा ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज शेयर्स और सिक्योरिटीज में सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स कवर हो जाएंगे हां जी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए फिफ्टी सिक्स वन क्या वैसे तो मैंने शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर आपको बताया हुआ है सबसे पहले हमारे को क्या करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई एम कमिंग टू थोड़ा सबसे पहले हमारे को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लेना है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर उसको क्या कहते ब्लैंक रजिस्ट्रार ऑफिस मिलेगा द ब्लैंक फॉर्म एस एच फोर इज देन टू बी सबमिटेड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार जैसे रजिस्ट्रार का फाइल करेंगे वजिस्ट्रार विल डू ही डू द डेट स्टैंपिंग यानी वो फॉर्म के ऊपर डेट डालेगा स्टैंप डाल देगा अपना स्टैंप डाल देगा और उसके बाद फिर ट्रांसफर और ट्रांसफरी को सारी डिटेल्स वीटेल्स भर के वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म एस एच फोर कंपनी में फाइल करना है ताकि कंपनी अकॉर्डिंगली जो है ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में ले आए ये बहुत लंबा प्रोसीजर है जो हम लोगों ने शेयर कैपिटल चैप्टर में देखा है उससे रिलेटेड अब ये चीजें हैं जरा देखेंगे हम एक थोड़ा सा फिफ्टी सिक्स वन का ग्लिम्स देख ले A company shall not register the transfer of securities or the interest of a member in the company in case of company not having a share capital unless a proper instrument of transfer. Now, what is that instrument of transfer means? It's a share transfer form. So, share transfer form that is your SH4. Now, share securities transfer form. securities So, unless a proper instrument of transfer form SH4 is इन सच अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब ड्यूली स्टैंप्ड डेटेड एंड एक्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी एंड स्पेसिफाइंग द नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन इफ एनी ऑफ द ट्रांसफरी हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफर और ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन वॉट इज डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डेट स्टैंपिंग रजिस्ट्रार ने जैसी डेट डाला वो डेट के साठ दिन के अंदर वो फॉर्म आपको जो है कंपनी में फाइल करना है यू गैटिंग इट नॉट नहीं तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी फॉर्म की वैलडिटी खत्म हो जाएगी और राइट अलॉन्ग विदर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज और इफ नो सच सिक्योरिटीज इज इन एक्सिस्टेंस दैन अलॉन्ग विदर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज तो फॉर्म एस एच फोर और उसके साथ क्या जो है आप लॉज करोगे डेट इज लॉज इट शुड बी लॉज्ड वट यू विल लॉज द शेयर सर्टिफिकेट या जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट जो भी कुछ है वो सर्टिफिकेट आप साथ में लगाएंगे यह ओरिजिनल एक्ट है ठीक है अच्छा ये आ गया नॉट रजिस्टर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ठीक है अब नोटिफिकेशन डेटेड जून ने दो प्रोवाइजो इंसर्ट किए प्रोवाइजो नंबर ये रहा नंबर टू और देख भी ले में। हां जी, ये देख जी, ये जो सर्कल की है बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोवाइडेड फर्दर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसे इन सो फार एज इट रिक्वायर्स टू प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड एग्जीक्यूटेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अ ट्रांसफर एंड बायर एन बी ऑफ ऑफ ट्रांसफर शैल नॉट अप्लाय ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है यदि गवर्नमेंट कंपनी है और वो सिक्योरिटी इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड इफ दैट सिक्योरिटी इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी तो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की कोई आवश्यकता नहीं है फॉर्म एस एच फोर की आवश्यकता नहीं है सिंपल आपको जो है रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है दैट्स ऑल

सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म एस एच फॉर यहां पर निकाल दिया है खाली एक इंटीमेशन के बारे में कहा गया है प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट सो जो नॉमिनीज है डेट इज ट्रांसमिशन तो उसमें भी ऐसा कोई हमारे को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ये सब चीज की जरूरत नहीं है हमारे को जो है खाली इंटीमेशन करना राइट तो ये चीज का आपको ध्यान देना है ये दो चीजें एक गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है एक वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म एस एच फोर की जरूरत नहीं है यदि गवर्नमेंट कंपनी है और बॉन्ड्स का ट्रांसफर हो रहा है या नॉमिनी को ट्रांसफर हो रहा है नमस्ते